हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के वो दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे जिनको मेकअप, ब्यूटी या सेफोरा पसंद है। सेफोरा पे चल रही है सेल मेंबर्स की, वीआईबी, रूज या फिर इनसाइडर। तो आपको मिलते हैं अलग अलग तरह के डिस्काउंट 10%, 15% एंड 20%। सो अगर आप सेफोरा के फ़ैन हैं एंड आप वहाँ से शॉपिंग करना चाहते हैं, आई थिंक वो 15 नवंबर तक रहेगी। सो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं अपने फेवरेट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या ख़रीदना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम स्किन केयर से शुरू करते हैं। उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे फेवरेट सनस्क्रीन्स। सेफोरा के सनस्क्रीन्स की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्पेशली अगर आप मेकअप पहनते हैं तो आपको अच्छा सनस्क्रीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा वाइट कर देता है तो मेकअप अजीब सा दिखता है। एंड उसके लिए मेरा फेवरेट है, आई होप आप देख पाएंगे, मैं इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगी। ये है सुपरगूप का अनसीन सनस्क्रीन। इसका SPF 40 है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, आज तक का मेरा फेवरेट एंड बेस्ट सनस्क्रीन है ये। इससे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, आप पता भी नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन यूज़ किया है। और ये बहुत ही अच्छा मेकअप का प्राइमर भी काम करता है। तो अगर आप सनस्क्रीन देख रहे हैं तो ये वाला ज़रूर से ट्राई करें। सनस्क्रीन तो हम हमेशा खरीदते रहते हैं क्योंकि वो सारा साल ही हमें लगाना चाहिए। सो ये वाला सनस्क्रीन ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते, मेरे और दो फेवरेट हैं। एक तो ये शिशीडो का स्प्रे एंड शिशीडो की ही ये क्लियर स्टिक। ये दोनों SPF 50+ है। स्प्रे को आप अपनी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस पर भी। और ये क्लियर स्टिक कुछ इस तरह की है और आप जब भी चाहें अपने चेहरे पर लगा लें और बिल्कुल पता नहीं चलता है कि सनस्क्रीन लगाया है। और ये 50+ SPF है। सो आपको काफ़ी अच्छी कवरेज मिल जाती है, वो भी क्लियर के साथ। ये मेरा फेवरेट है हमेशा से। सो ये वाला ट्राई कर सकते हैं आप। स्प्रे को अगर आप अपने फेस पे यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे स्प्रे नहीं कर सकते, हैंड पे करेंगे टैप टैप एंड ऐसे ऐसे अपने फेस पे लगा सकते हैं। सो ओरिजिन के मास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट हैं ये 3 मास्क फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहला है ड्रिंक अप इंटेंस। ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइड्रेटिंग मास्क। इसको आप ओवरनाइट लगाते हैं। जब आप इसको लगा के सोते हैं, अगली सुबह आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपको लगता है कि बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रही है तो ज़रूर से ये वाला मास्क ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा समय चलेगा। और वैसे तो मैं इसे 1 अ वीक और ट्वाइस अ वीक यूज़ करती हूँ, पर जिस दिन मुझे लगता है कि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल एंड ड्राई फील हो रही है तो मैं एज अ मॉइस्चराइज़र भी इसे यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है मैंने ये 4-5 बार ख़रीदा होगा। अगला मुझे ओरिजिन का मास्क पसंद है, आउट ऑफ ट्रबल। ये बहुत ही प्यारा अमेजिंग मास्क है, क्ले मास्क, स्पेशली ऑयली स्किन लोगों के लिए और जिनके लार्ज पोर्स हैं या फिर आपको बहुत ही इम्प्योरिटीज़ फील होती हैं आपके चेहरे पर। तो ये आप लगाएँ, सारा कुछ सोख हो जाता है। ऐसे मैजिकल नहीं है कि लगाएंगे तो अगले ही पल ठीक हो जाएगा, पर इससे आपको काफ़ी मज़ेदार फील होगा और आपके पोर आपको थोड़े श्रिंक लगेंगे। अगला ओरिजिन का ये जो पिंकिश मास्क है, ये है रीटेक्सचराइजिंग मास्क विद रोज़ क्ले। इसके अंदर ना छोटे छोटे बीड्स हैं। पहले मैं ऐसे लगा लेती हूँ, जब थोड़ा ड्राई हो जाता है, एक्सट्रीमली ड्राई नहीं होने देती हूँ, तो जब थोड़ा ड्राई हो जाता है तो मैं ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके अपने चेहरे से उतार देती हूँ। तो ये एक्सफोलिएट भी कर देता है एंड मास्क भी है। सो ये 3 आप ज़रूर से ट्राई करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये हाइड्रेशन वाला भी ट्राई कर सकते हैं। और अगला मेरा फेवरेट मास्क है ये कील्स का रेयर अर्थ डीप पोर क्लिनजिंग मास्क। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आउट ऑफ ट्रबल के साथ, पर आउट ऑफ ट्रबल में ना एक मिंटी सा फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश फील होता है जब लगाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन सी क्ले है, पर ये भी मुझे लगाना अच्छा लगता है। सो हेयर देयर मैं मिक्स एंड मैच करके लगाती रहती हूँ। और इसका टब देखिए कितना बड़ा है और आप जब खरीदेंगे तो काफ़ी लंबा समय तक आपके ये मास्क चलेंगे। ओके, अगली चीज़ भी कील्स की है। ये मैंने कितनी बार मेरी वीडियोस में शेयर की है। ये है कील्स का अल्ट्रा फेशियल टोनर। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिल्की हाइड्रेटिंग टोनर है आपके फेस के लिए। इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर ऑयली भी है पर आपको लगता है कि उसमें पानी की कमी है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंसर्न नहीं है तब भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इतना जेंटल है। अगर अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। सो इसकी मैंने 10-15 बॉटल्स यूज़ कर लिए, मुझे बहुत सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, 2016 और 17 से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा खरीदती रहती हूँ। और मेरी नई परचेज है ये लनैश की लिप बाम, नॉट लिप बाम, लिप स्लीपिंग मास्क। ये मैं यूज़ करना मैंने शुरू किया है डिस्कलरेशन की वजह से, मेरे लिप्स पर डिस्कलरेशन हो रही है, लाइक साइड्स ब्लैक हो रही हैं, और इससे मैंने कुछ ही दिनों में डिफरेंस देखा है। थोड़े मेरे लिप्स लाइट हो गए, उतने काले नहीं लगते जैसे प्रीवियसली लगते थे। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, पर अगर आप सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने लिप्स के लिए तो ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे स्लीपिंग मास्क की तरह यूज़ नहीं करते तो आप इसे एज अ बाम भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है ये। अब मैं मेकअप के कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे फेवरेट फाउंडेशन से पहला है ये नार्स का नेचुरल रेडियंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। ये कोई भी स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑयली, ड्राई, न्यूट्रल, जो भी है। एंड ये इतनी अच्छी फिनिश देता है और ये कुछ भी कवर कर देता है। मेरे चेहरे पे कितने स्कार्स हैं आपको तो पता ही है, सो ये मेरे चेहरे के स्कार्स को इतनी अच्छी परफेक्शन के साथ हाइड कर देता है और फ्लॉलेस मेरा चेहरा दिखता है। मैंने इतना प्यारी फिनिश और किसी फाउंडेशन की नहीं देखी। तो अगर आप कोई लग्जरी फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं, ये काफ़ी महंगा है, मैंने अरमानी भी यूज़ किया है, मुझे अरमानी से ज़्यादा इसकी फिनिश अच्छी लगती है, सो ये वाला ट्राई कर सकते हैं। मैं जो शेड यूज़ करती हूँ, मैंने आज ही कमेंट पढ़ा किसी का, कोई पूछ रहा था कि मेरे नार्स में कौन सा शेड है, मेरा शेड है सायरा क्यूज़ मीडियम डार्क वन। सो मैंने इसकी कितनी सारी बॉटल्स फिनिश की हैं, लिटरली फिनिश की हैं। कोई फाउंडेशन जब आपको रियली अच्छा लगता है तभी आप फिनिश कर पाते हैं, एंड मैंने मेरी VIB सेल में ये फाउंडेशन खरीदा है। अगला जो मेरा रियली फेवरेट फाउंडेशन है वो है बॉर्न दिस वे फ्रॉम टू फेस्ड। इसकी फिनिश भी बहुत ज़्यादा प्यारी, क्लीन, फ्लॉलेस है, एंड इसका जो कलर मैच है मुझ पे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन ही है। मेरा जो शेड है वो है हनी। इसकी बॉटल भी आप देख सकते हैं पूरी तरह खाली है, एक एक बूंद मैंने निकाली है। बहुत ही प्यारा फाउंडेशन है, मैंने कई सारी बॉटल्स इसकी यूज़ की हैं, मुझे रियली बहुत पसंद है। ये फुल कवरेज देगा आपको, एंड आप बिल्ड भी कर सकते हैं और आप लाइटली भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, और सारी स्किन टाइप्स पे ये अच्छा सूट करता है। ओके, अगला मेकअप प्रोडक्ट है ये लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इतनी अच्छी फिनिश देता है और पता ही नहीं लगता कि आपने चेहरे पे पाउडर लगाया है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि आपका मेकअप पूरी तरह सेट हो जाएगा। मेरी स्किन ऑयली है, मैं इसको लगाती हूँ। स्पेशली जब आप कपड़े पहनते हैं या कुछ भी करते हैं, आपका मेकअप ट्रांसफ़र हो जाता है, पर जब इससे आप लॉक कर देते हैं, सेट कर देते हैं, फिर वो कहीं पर भी नहीं लगेगा। आपका मास्क, जो आजकल हम मास्क पहनते हैं, उस पर भी नहीं लगता है, वो भी बिल्कुल क्लीन रहता है। उस पर भी नहीं लगता, बिल्कुल क्लीन रहता है। तो ये ज़रूर से ट्राई करें, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पाउडर। इतना मज़ेदार है ना कि आपका फेस एकदम से सेट हो जाता है। इसके बाद आप कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ करें, यू आर गुड टू गो। मेकअप के लिए लिपस्टिक्स मैं दो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कैट वॉन डी की लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो मेरा फेवरेट शेड है वो है लॉलिता, एंड वो इतना प्यारा लगता है हमारी ब्राउन स्किन पे। एंड सेफोरा की लिक्विड लिपस्टिक्स अफोर्डेबल है, एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अपने लिए 4 डिफरेंट शेड्स खरीदे हैं, जब वो आ जाएगा मैं अपने किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी या हॉल कर दूँगी। सो ये वाला जो शेड है ये भी हमारी ब्राउन स्किन पे बहुत अच्छा लगता है। ये है विंटेज रोजवुड, बहुत 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 प्यारा शेड है। मुझे लगता है ये सारा साल चल सकता है, समर्स में, विंटर्स में, फॉल में, सारा साल ये लिप शेड आप पहन सकते हैं। प्राइमर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा फेवरेट प्राइमर है स्मैशबॉक्स का पोर मिनिमाइजिंग फोटो फिनिश प्राइमर, एंड ये जो प्राइमर है यही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपके पोर्स को फिल कर देता है और स्मूथ स्किन को मिमिक कर सकता है। बेनिफिट का प्रोफेशनल भी यूज़ किया है, वो भी अच्छा है, पर मुझे ये इसकी फिनिश सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एंड फोटोज़ में सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ये। कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आपकी स्किन लगती है। सो अगर आप समवन है जिसके लार्ज पोर्स हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, या आप स्मूथ स्किन को मिमिक करना चाहते हैं तो महंगे प्राइमर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यू नो, जब आप प्राइमर यूज़ करके मेकअप करते हैं ना तो बहुत अच्छी फिनिश आती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग। इसी तरह आपको प्राइमर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मेकअप जंकी हैं तो ये वाला प्राइमर लार्ज पोर्स के लिए बेस्ट है। ओके, जो चीज़ें मैं नहीं खरीदना चाहूँगी वो है ये UFO संडे राइलीज़ का UFO ऑयल। इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं, बहुत सारा क्लेम करता है ये कि ब्ला ब्ला करेगा, स्किन को वो कर देगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, पर इसने कुछ नहीं किया। इतना ज़्यादा महंगा है, मुझे लगता है ये पिद्दी सा $100+ में आएगा, सो मुझे अच्छा नहीं लगा इतना। एंड अगला है ये कीगल्स का विटामिन C। कहते हैं कि ये लगाओगे स्किन पूरी शाइनी मज़ेदार हो जाएगी, और ये भी $100 का है, $100+ ही आएगा ये। सो ये भी मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। इससे अच्छा है कि आप विटामिन सी द ऑर्डिनरी का यूज़ कर लो, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं एंड वो एक्चुअली काम भी करता है, आपकी स्किन को फील होता है कि कुछ हो रहा है। एंड ना महंगी दुकान फीके पकवान वाला है ये, सो ये मैं नहीं रेकमेंड करूँगी अगर आप सोच रहे हैं लेने के लिए। मुझ पर काम नहीं किया, पर अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हैं तो पिद्दी से में इन्वेस्ट करना, इतना महंगा बड़ा मत लेना। सो अगला मैं दो परफ्यूम शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मुझे लगता नहीं कभी परफ्यूम शेयर किया, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है। मुझे मीठे परफ्यूम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फ्लोरल लाइक शुगरी अच्छा नहीं लगता मुझे, पर इसमें एक शुगरी भी है। सो पहला मैं यूज़ शेयर करना चाहूँगी वो है अरमानी सी। ये अच्छा क्लासिक परफ्यूम है, अगर आप क्लासिक पहनना चाहते हैं अच्छा है। लाइक इसको जब मैं खोलती हूँ ना मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। सेंट में ऐसी पावर होती है कि आपको हज़ारों सालों पीछे ले जाता है, तो ये आप ले सकते हैं। इस आई डोंट थिंक सो यू गोना गो रॉन्ग विद दिस क्लासिक अरमानी सी। वंस इन अ वाइल मैं ये पहनती हूँ और मैंने किसी की रेकमेंडेशन पे लिया था ये वाला परफ्यूम। ये है टॉशा फ्लोरेंस, थोड़ा फूलों वाला है। किसी ने कहा था कि इतना ज़्यादा फूलों वाला नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक लगा मुझे। वैसे एक्चुअली समर्स के लिए ये अच्छा है क्योंकि आप ना फूलों जैसा फ्रेश सा सेंट है ये, एंड ना मीठा एंड बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, अच्छा है। ये आप ले सकते हैं अगर आप न्यू परफ्यूम के बारे में सोच रहे हैं। लगा लेनी है मैं थोड़ा। सो यस, मुझे लगता है कि मेरे यही फेवरेट हैं और आप सेफोरा से ऑर्डिनरी की शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स पसंद हैं, आपको सारे ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाएंगे। और एक्चुअली एक प्रोडक्ट रहेगा वो है लनाश का स्लीपिंग मास्क। एक और प्रोडक्ट आई फॉरगॉट, वो है लनाश का स्लीपिंग मास्क। ये बहुत ही प्यारा पानी जैसा मास्क है, जब आप चेहरे पे लगाते हैं ना अगले दिन आपकी स्किन बहुत ही सपल सॉफ्ट फील करती है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन में ड्राई पैचेस हैं, बहुत ज़्यादा टाइट है। आप जब फेस को वॉश करते हैं एकदम से ड्राइनेस आ जाती है, सो ऐसे स्लीपिंग मास्क ट्राई कर सकते हैं। सो अभी भी सेल चल रही है, जल्दी जल्दी जाएँ और शॉपिंग कर लें। आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि आप क्या लेना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा। मैं एवरीडे वीडियोस अपलोड करती हूँ। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। I love you.